हेलो एवरीवन, चोपियावन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही के अंदर मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर सेडान डिजायर के अंदर सीएनजी वो लॉन्च की है। हाल ही के अंदर डिजायर सीएनजी ZXI मॉडल की पिक्चर्स हैं वो लीक हो चुकी हैं। उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। आज सारी डिटेल के अंदर बात करेंगे आपको ZXI मॉडल के अंदर कंपनी कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवा के देगी, क्या आपको पुश स्टार्ट बटन मिलेगा, क्या आपको टच स्क्रीन कैमरा वगैरह या आपको अलॉय व्हील वगैरह मिलेंगे, कौन सा इसके अंदर आपको इंजन मिलने वाला है, आपका कितने कैपेसिटी का आपको सीएनजी सिलेंडर मिलेगा, साथ ही आपको कितनी माइलेज निकाल के देगा, साथ ही बात करेंगे इसकी प्राइस की और आपको कौन कौन से कलर्स के अंदर आपको ये मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे पिछली वीडियो के दौरान आए लोगों के कमेंट्स की। जल्दी मैं डिजायर सीएनजी के VXI मॉडल का पूरा डिटेल्ड बैकग्राउंड रिव्यू लेके आने वाला हूं जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो कंपनी ने अनऑफिशियल तरीके से इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। आप अपने डीलरशिप पे जाके वो बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें इसके फीचर्स की, आपको ZXI मॉडल के सीएनजी वेरिएंट में कंपनी कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवाएगी देगी। सबसे पहले बात करें कलर ऑप्शन की, तो इसके अंदर आपको 5 से 6 नए कलर मिलने वाले हैं। साथ ही ZXI मॉडल के अंदर आपको 15 इंची अलॉय व्हील मिलने लग जाएंगे। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 185/65 R15 की आपको टायर साइज मिलेगी। फ्रंट के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जबकि आपको रियर के टायर्स के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। साथ ही साइड की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको साथ ही इसके अंदर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे। आपको कीजलेस एंट्री मिलेगी। अंदर की ओर आपको पुश स्टार्ट बटन मिलने वाला है। MID की बात करें तो अगेन आपकी ये TFT डिस्प्ले है, आपकी मोनोक्रोम में रहेगी, कलर वगैरह नहीं रहने वाले। इवन टॉप मॉडल के अंदर भी आपको ZXI प्लस के अंदर भी ये कलर नहीं मिलती, आपकी मोनोक्रोम रहती है। डायल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके फ्यूल गेज है वो आपको डिजिटल मिलेगा, जबकि स्पीडोमीटर और RPM आपको एनालॉग मिलने वाले हैं। फ्रंट की ओर हेडलाइट की बात करें तो अगेन आपकी हैलोजन रहेंगी, आपको प्रोजेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जबकि इसके नीचे की ओर आपको फॉग लैंप वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अगेन फॉग लैंप भी आपकी हैलोजन रहेंगी, ये भी LED के अंदर नहीं रहने वाले हैं। इसका जो VXI मॉडल है इसके अंदर आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। फॉग लैंप के अराउंड आपको क्रोम गार्निश मिलने लग जाएगी, बीच में आपकी बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल मिलेगी जिसपे आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा। तो ऐसे फ्रंट की ओर से कोई भी बड़ा चेंजेज है वो नहीं किया जाएगा। मे बी कंपनी अगर इनको हेडलाइट को वो अगर प्रोजेक्टर दे देती तो लुक काफी ज्यादा इनहेंस करके आता। अंदर की ओर आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलने वाला है, अगेन स्टेयरिंग पे आपकी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, साथ ही आपको वो स्टेयरिंग लेदर रैप्ड मिलेगा। साथ ही स्टेयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ मिलने वाला है। ZXI मॉडल के रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपकी जो टेल लैंप है वो LED रहेंगे, बट इसके जो टर्न इंडिकेटर और जो रियर की लाइट है वो आपको बल्ब के साथ में मिलेगी। पीछे की ओर आपको वाइपर वॉश डिफोगर वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको सीधी सी विंडस्क्रीन मिलेगी। लेकिन अगेन आपको पीछे की ओर बूट पे आपको क्रोम गार्निश दिखेगी, पीछे आपको डिजायर की बैजिंग दिखेगी, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, ब्रांडिंग वगैरह की कोई भी बैजिंग आपको नहीं मिलने वाला है, जो ऑलरेडी काफी सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मारुति ने क्यों जो ब्रांडिंग है वो क्यों हटा दी, आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। रियर बम्पर अगेन आपको सेम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 2 रिफ्लेक्टर और 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगी। यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। कुछ गाड़ियों के अंदर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो कई बार आपका रियर का बम्पर है वो साइड की ओर से टच करने का डर रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। ऊपर की ओर आपको किसी प्रकार का शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं मिलने वाला है। पीछे की ओर सीट्स आपको 60-40 सीट स्प्लिट मिलेंगी, साथ ही आपको सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलने वाला है, साथ ही आपको पीछे की सीट पे आर्मरेस्ट भी मिलेगा, जो एक काफी ज्यादा अच्छी आपको कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। ZXI मॉडल के डोर हैंडल की बात करें तो अगेन आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे आपका कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट आपको है जो डोर विंडो गार्निश है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एक एज काफी ज्यादा लुक को इनहेंस करके आता है। अंदर की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको फुली टच स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सारे फीचर चलेंगे। लेकिन इसके अंदर आपका कैमरा है वो इनबिल्ट नहीं मिलेगा, आप एज एक्सेसरीज मारुति सर्विस सेंटर से जरूर लगवा सकते हैं। ORVM पे आपके टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, कई बार कंपनी इनको फेंडर वगैरह पे दे देते तो लुक वगैरह इतना खराब सा लगता है, लेकिन ORVM पे इंडिकेटर मिल रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल भी मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपने ORVM को एडजस्टेबल, साथ ही इनको फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं, जो भी काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। आपको ड्राइवर साइड की जो डोर विंडो है, अगर आपको नहीं पता है एंटी पिंच का फंक्शन क्या है, तो ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट जनरेशन बलेनो की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने डिटेल के अंदर बनाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया। इस पर्टिकुलर गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, इसके अंदर आपको ट्विटर वगैरह नहीं मिलने वाले, ट्विटर आपको ZXI प्लस मॉडल के अंदर देखने में मिलते हैं। साथ ही रियर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलेंगे। मारुति सुजुकी की डिजायर एक ऐसी गाड़ी थी जिसके अंदर आपको रियर AC वेंट्स है वो कंपनी सबसे पहली बार प्रोवाइड करवाने लग गई थी, अब तो आपको नेक्स्ट जनरेशन बलेनो के अंदर भी देखने को मिल गया है। अब आपको रियर AC वेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक कपी होल मिलेगा, जिसके अंदर आप फोन वगैरह रख सकते हैं, साथ ही आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। इसके अंदर आपको अगर कंपनी स्मार्ट USB चार्जर वगैरह दे देती तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। आगे की ओर ZXI मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। VXI मॉडल के अंदर आपको ये मैनुअली मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो आपको फैब्रिक की सीट्स रहने वाली हैं। इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेशनर विद फोर्स लिमिटर,
जैसे कुछ फीचर आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट के अंदर। अब इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो अगेन आपको सीएनजी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सीएनजी मॉडल के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलने वाले, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल और सीएनजी दोनों में चलवा सकते हैं। पेट्रोल के अंदर आपको ये इंजन 66 किलोवाट की पावर और 113 एनएम का टॉर्क निकाल के देगा। बात करें सीएनजी के अंदर आपको कितनी पावर और टॉर्क निकाल के देगा, तो सीएनजी मॉडल के अंदर आपकी जो पावर और टॉर्क है वो कम हो जाती है। सीएनजी के अंदर आपको 57 किलोवाट की पावर 6000 आरपीएम पे साथ ही 98.5 एनएम का टॉर्क ही आपको जनरेट ये इंजन कर पाएगा। अब बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, सीएनजी के अंदर आपको ये गाड़ी कितना माइलेज निकाल के देगी, तो आपको 31.12 किलोमीटर प्रति केजी के अंदर आपको ये माइलेज मिलने वाला है, जो काफी ज्यादा अच्छा एक माइलेज है। अब बात करें इस गाड़ी के डायमेंशन और कर्व वेट की, तो इसके अंदर आपको पुरानी डिजायर के कंपैरिजन में वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। लेंथ की बात करें तो ये आपको 3995 एमएम की लेंथ मिलती है, जबकि हाइट की बात करें तो आपको 1515 एमएम की हाइट मिलती है। कंपेयर करें ब्लेनो से तो इसकी जो हाइट है वो ब्लेनो कंपैरिजन में 15 एमएम वो ज्यादा है। ब्लेनो के अंदर आपको 1500 एमएम की हाइट मिल पाती है। विड्थ की बात करें तो आपको 1735 एमएम की विड्थ मिलती है। व्हीलबेस की बात करें तो आपको 2450 है, साथ ही इसके अंदर आपको 170 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस प्रोवाइड करवा देता है। ये सारे फीचर स्पेसिफिकेशन हो गए। अब जो मेन पॉइंट है वो आपका रहा है कि आपको बूट स्पेस कितना मिलेगा, तो जो पेट्रोल डिजायर आती है उसके अंदर आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपका सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद आपका बूट स्पेस वो कम हो जाएगा। इजीली आप एक या दो बैग ही रख सकते हैं। अभी कोई भी कंपनी की ओर से कोई स्पेसिफिक वो नहीं आया कि फ्यूल टैंक लगने के या फिर कह लीजिए सीएनजी किट लगने के बाद कितना आपको बचेगा, लेकिन जहां तक अनुमान आपका एक दो बैग ही आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सेडान गाड़ी है तो ऑलरेडी आपकी बूट स्पेस वो काफी ज्यादा है। लेकिन फिर अब बात करें इसकी प्राइस की, आपको डिजायर सीएनजी ZXI मॉडल के अंदर इसकी प्राइस वो कितनी रहने वाली है, तो आपकी 8,82,000 रुपए वो सीएनजी मॉडल की प्राइस रहेगी। अगेन इसके अंदर अगर पेट्रोल वर्जन से कंपैरिजन करें तो आपकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 96,000 रुपए एक्सपेंसिव हुई है पेट्रोल वर्जन से। वो एल्टो वेगनार सिलेरियो वगैरह के अंदर सिर्फ आपको VXI मॉडल के अंदर ही सीएनजी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार डिजायर के आपको ZXI मॉडल के अंदर भी है वो सीएनजी प्रोवाइड करवाई जाएगी। काफी ज्यादा कस्टमर की डिमांड हो रही थी कि आपको VXI मॉडल के अंदर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से आपको एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी अगर कंपनी सीएनजी प्रोवाइड करवा दे तो काफी ज्यादा अच्छा हो। तो बहरहाल आप मारुति सुजुकी ने वो आपको ZXI मॉडल के अंदर भी सीएनजी प्रोवाइड करवाने लग जाएगी। दरअसल देखा जाए तो इसका एक रीजन और ये भी हो सकता है कि मारुति ये सोचती है कि अगर वो टॉप ऑफ द लाइन के वेरिएंट के अंदर अगर सीएनजी प्रोवाइड करवाएं, तो अगर देखें तो डिजायर का जो टॉप ऑफ द लाइन का वेरिएंट ZXI प्लस है वो आपको ऑन रोड 10 लाख रुपए का पड़ता है, तो 10 लाख रुपए में वो कंपनी सोचती है कि सेडान गाड़ी सीएनजी के अंदर लेना कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, तो इस वजह से वो आपको VXI के अंदर ही प्रोवाइड करवा रहे थे इतने दिन, लेकिन अब आपको वो ZXI मॉडल के अंदर भी प्रोवाइड करवाने लग जाएगी कंपनी। आप जल्दी ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो इसका मैं जल्दी वॉक अराउंड रिव्यू लेके आने वाला हूं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के ऊपर डिजायर सीएनजी वेरिएंट का वो वॉक अराउंड रिव्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये कुछ फीचर और स्पेसिफिकेशन थे ZXI सीएनजी मॉडल के अंदर। सो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।